हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS नॉलेज हब। फ्रेंड्स, यह है भारतीय इतिहास की दूसरी वीडियो। फ्रेंड्स, इस सीरीज में मेरा प्रयत्न यह है कि मैं भारतीय इतिहास से जो परीक्षा है तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ब्यौरा है वो आपके साथ साझा कर सकूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैदिक सभ्यता से 50 से भी अधिक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी जो आगामी परीक्षाओं में आने की अति संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों का मैंने संकलन इसमें लिया है वैदिक सभ्यता से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है? तो ये हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक जो संस्कृति का काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो श्रेष्ठ या कुलीन जो है, आर्य शब्द का शाब्दिक शब्द अर्थ बताया गया है शास्त्रों में। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे मुख्य थे नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है प्रारंभिक आर्यों के बारे में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो है सुलभ सूत्र। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ है, सबसे पहले उसमें वेद आता है, फिर ब्राह्मण, फिर अर्णक, और भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख थे क्या था? तो वे प्रकृति पूजा और यज्ञ में विश्वास रखते थे पूर्व वैदिक आर्य। चरक संहिता नामक पुस्तक किसके विषय में संबंधित है? तो ये चिकित्सा के विषय में संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। और वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इतिहास की जो मैंने पहली सीरीज की जो पहली वीडियो बनाई है उसमें मैंने वेदों का संक्षिप्त वर्णन दिया है, आप वहां से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो थी काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये उत्तर वैदिक काल से गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज और समाज की व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन छह जो विभिन्न भारतीय दर्शनों की जो स्पष्ट रूप से जो अभिव्यक्ति हुई है वो कहाँ हुई है? उत्तर वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? तो लोहार या लोहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। आदि काव्यों की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण जो था मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028 इसमें जो ऋचाएं हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? वो अर्थवेद में है। आर्य शब्द जो इंगित करता है वो निर्जाति समूह को इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य जो बद योग्य नहीं हो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यानी कि गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नारियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अर्थरव का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद असंत है गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में रचित है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति का। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं। और कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल ऋग्वेद का जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दस राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था?
परुश्रणी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि प्रसिद्ध दशराज यादव का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था और चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो ये इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, इससे कि आपको पता चलता है कि आपकी अभी रुचि कितनी है और आपने कितना उसमें पढ़ा है अब तक। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो इस इतिहास की सीरीज का दूसरा वीडियो था, इसके बाद मैं इसमें जल्दी ही और वीडियो लाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य है कि मैं जो है कम से कम समय में और कम से कम वीडियो में मैं अधिक से अधिक जो सिलेबस इतिहास का जितना भी भारतीय इतिहास है आजकल की जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ आपके पास तक पहुँचाने की उन्हें। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।